हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में लिवर टॉनिक का क्या यूज़ है, क्या उसकी डोज रेट है, कैसे हम लिवर टॉनिक दें और किस किस कंडीशन में हमें लिवर टॉनिक देना चाहिए और क्या ये लिवर टॉनिक कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आप मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो चैनल है वो चैनल का नाम जो मैंने रखा है वेटरनरी डेयरी फार्म, तो ये यहाँ पे आपको ना ही डेयरी फार्म के रिलेटेड वीडियोज़ देखने मिलेगी बल्कि वेटरनरी के रिलेटेड है, जो मेडिसिन का नॉलेज है, कौन से डिसीज में क्या क्या मेडिसिन यूज होती है, कौन से डिसीज के क्या सिम्टम्स है, इस सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और इस चैनल में आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी। इसलिए चैनल का नाम वेटरनरी डेयरी फार्म करके रखा गया है। तो गाइज बने रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहे। तो बेसिकली लिवर टॉनिक ये है क्या चीज, तो जब भी हमारे पशु में लीवर की वीकनेस हो जाती है, मतलब लीवर की वीकनेस बोले तो लीवर माने कि जब भी लीवर में जो पैरासाइट रहते हैं इंटरनल वो हो जाते हैं, जैसे कि लीवर वर्म्स है जिसके वजह से लीवर फ्लूक होता है। तो आपको मैं अभी तस्वीरें दिखाऊंगा जो कि लीवर फ्लूक की है। तो ये सब जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सब तस्वीरें लीवर में बैक्टीरियाज पैदा होने की वजह से होती है या फिर लीवर में पेस्टिसाइड्स या वर्म्स होने की वजह से ये सब कंडीशन होती है। यहाँ में क्या होता है, लीवर्स में वर्म्स हो गए तो गाय का जो लीवर है कमजोर हो जाता है और कमजोर हो जाने की वजह से फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन रेडी रहते हैं तैयार होने के लिए। तो इसकी वजह से फिर ये जो आप गले में जॉलम टाइप जो देख रहे हैं ये लीवर फ्लूक है। ये लीवर फ्लूक होता है, ये लीवर में जब वर्म्स हो जाते हैं और लीवर गाय का कमजोर हो जाता है तभी ये लीवर फ्लूक होता है। तो इस कंडीशन में हमें जो वीक लीवर जो हुआ है इसको हेल्दी बनाने में हमें लीवर टॉनिक की जरूरत है। प्लस जो भी गाय ब्याती है, जब भी किसी गाय की डिलीवरी हो जाती है तो देखिए, आप देखे होंगे कि गाय 2-3 दिन खाने में थोड़ा कसर छोड़ती है, मतलब जितना चाहिए उतना खाती नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा होती है खाने में। तो उस कंडीशन में भी हम उसे लीवर टॉनिक देख सकते हैं, क्योंकि लीवर टॉनिक ये ऐसी चीज है जो लीवर को बना मजबूत करता है। और लीवर अगर गाय का हेल्दी रहे तो गाय का पूरा बॉडी भी हेल्दी रहता है। लीवर टॉनिक में होती क्या चीज है, तो गाइस लीवर टॉनिक में लीवर एक्सट्रैक्ट रहता है, जो कि लीवर एक्सट्रैक्ट ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गाय के ही लीवर से बना हुआ रहता है। जो गाय के लीवर रहते हैं, जो जिगर के टुकड़े रहते हैं, जो हम गाय का जिगर बोलते हैं, जिसे हम लीवर बोलते हैं, तो वही लीवर से इनका लीवर एक्सट्रैक्टर बना हुआ रहता है। वो लीवर एक्सट्रैक्टर ये चीज काम ये काम करता है कि गाय को भूख बढ़ाता है। जैसे हम गाय को लीवर देते हैं तो लीवर एक्सट्रैक्ट देते हैं यानी कि लीवर टॉनिक देते हैं, तो वैसे ही वो गाय की भूख बढ़ाता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, जो डिलीवरी हो गई है गाय की और खाने में थोड़ी कसर कर रही है, तो उस समय हम उसे बिल्कुल लीवर टॉनिक दे सकते हैं। उसकी वजह से उसके लीवर भी तेज हो जाएगा और गाय खाने में भी भूख लग जाएगी। साथ ही साथ लीवर टॉनिक ये भी काम करता है जहाँ पे मान लो लीवर में डिसीज हो गए है, यानी कि लीवर डिसीज है, तो इम्प्रूविंग लीवर पावर, इसके लिए भी हम लीवर टॉनिक दे सकते हैं। या फिर किसी गाय का अगर लीवर डैमेज हो गया तो उसे भी हम लीवर टॉनिक दे सकते हैं। या फिर लीवर फ्लूक जैसे डिसीज जो है, जो जैसे कि मैंने बताया लीवर फ्लूक क्या आई है, उस कंडीशन में भी हम लीवर दे सकते हैं, क्योंकि उस सभी कंडीशन में गाय का लीवर कमजोर जाता है, तो उस सभी कंडीशन में हमें लीवर टॉनिक देना। अभी मैं आपको 2-3 कंपनी की जो सच्ची में जिन ब्रांड के जो लीवर टॉनिक्स है जिनका सही में रिजल्ट है, वो 2-3 सैंपल्स में आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो फर्स्टली आप देखोगे ब्रोटॉन है, सेकेंडली एमएच लिव है जो अर्जित कंपनी का आता है, और थर्डली जो है वो मैनकाइंड का विटाकाइंड प्लस करके। तो ये जो विटाकाइंड प्लस, प्रोटॉन, ये सभी जो लीवर टॉनिक है, इसमें से प्रोटॉन ये जो लीवर टॉनिक है ये बहुत ही शानदार है। इसका जो रिजल्ट है वो बाकी कंपेरेटिव में बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्योंकि मैंने ये रिजल्ट मेरे खुद के फील्ड में देखा है। जब भी मैं किसी गाय को सजेस्ट करता हूँ तो मैं ब्रोटॉन ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप देखोगे ब्रोटॉन में आपको लीवर एक्सट्रैक्टर मिलता है, प्लस फोर्टिफाइड ईस्ट मिलता है और साथ ही साथ लाइवटोनिक एसिड मिलता है। तो ब्रोटॉन ही सबसे बेस्ट है मेरे सजेशन से। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार ब्रोटॉन ही सबसे बेस्ट है और उसका रिजल्ट भी बेस्ट है। तो साथ ही साथ ब्रोटॉन की ये भी एडवांटेज है, जो मसल्स डेवलपमेंट रहती है गायों में, जो मसल्स की जो डेवलपमेंट होती नहीं है किसी गायों में, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आप बिल्कुल गाय को दे सकते हैं ये प्रोटॉन। और ये एक फायदा है कि ये क्या करता है, रिमूविंग केमिकल फ्रॉम बॉडी, मतलब जो भी गाय के बॉडी में जो केमिकल है वो रिमूव करता है। साथ ही साथ इसको वेटरनरी में ये भी बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बाकी के जो लीवर टॉनिक जो है, बेटाकाइन प्लस जो है, एमएच लिव है, या फिर लिवोफेरॉल आता है,
तो ये सब जो इसमें है, तो ये ब्रोटान का रिजल्ट सबसे बेस्ट है। और जहाँ पे आप विटागाइड प्लस या लिवोफेरॉल जो आप देते हो, जो 100 ml उसकी डोज होती है, वहाँ पे प्रोटॉन की हाफ रेट होती है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसमें जो कम्पोजिशन और साल्ट की जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बेहतरीन है, इसलिए इसकी कंपनी ने इसकी डोज 50 ml रखी है, ना कि 100 ml रखी है। इसलिए अदर कंपेरेटिव में प्रोटॉन की जो डोज है वो 50 ml रखी हुई है, क्योंकि इसका 50 ml में ही काम हो जाता है, इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट है। प्रोटॉन एंड लिवरटॉनिक ये आप सभी एनिमल में दे सकते हो, लार्ज एनिमल हो या चाहे स्मॉल एनिमल हो। जैसे कि लार्ज एनिमल हम सकते बोल सकते हैं कैटल, काउज एंड बफ, तो उसमें इसकी 50 ml की डोज होती है प्रोटॉन की। और स्मॉल एनिमल्स में जैसे कि डॉग हो, गोट हो, शीप हो, तो इसमें ये 20 ml पर डे दे सकते हैं। तो शीप गोट में भी इसका बेहतरीन रिजल्ट है, पोल्ट्री में भी इसका बॉयलर में यूज करते हैं। मान लो अगर गाय को डायरिया हो रहा है, या फिर गाय सिंपल इंडाइजेशन में चली गई हो, या क्रोनिक इंडाइजेशन में चली गई हो, तो उसे हम रेगुलर ब्रोटॉन दे सकते हैं, क्योंकि ब्रोटॉन में जो लीवर एक्सट्रैक्टर है वो मेन गाय की भूख बढ़ाता है, जिससे गाय को भूख लगती है, और लीवर फंक्शंस ओके रहते गाय के। जो भी लीवर क्रोनिक डिसीज हो, या लीवर से रिलेटेड लीवर फ्लू हो, या कौन से भी डिसीज हो, इसको सही करता है, यानी कि लीवर की फंक्शनलिटी सिस्टमेटिक करता है। तो गाइज यही ब्रोटॉन के फायदे हैं। कुछ कुछ फार्म में तो ब्रोटॉन काउज और बफ को डेली देते हैं, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्रोटॉन दीजिए, जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो लीवर जो है गाय के फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए आप उसको ब्रोटॉन दें, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कौन सी भी क्वेरीज रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको प्रोटॉन या लिवरटॉनिक या वेटरनरी से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ हो, तो मेरा इधर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो ये व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो भाई धन्यवाद।